आज दिनांक 15 जुलाई 2022 को सूर्यनगर गाजियाबाद जैन मंदिर में वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 प्रतिज्ञा नंजी महाराज का चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप में संपन्न हुआ। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे आयोजक श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति सूर्यनगर गाजियाबाद का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। आपको ये जानकर अति हर्ष होगा कि नमोकार चैनल जैन समाज का वो पहला चैनल है जिसे लगभग 185 देशों में देखा जाता है। तो एक बार आप भी सेवा का अवसर अवश्य दें। जय जिनेंद्र। चातुर्मास की बेला आई, जय गुरुदेव। चातुर्मास की बेला आई, सद्गुरुवर जी पधारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। चातुर्मास की बेला आई, जय आए हैं, ज्ञान की गंगा लाए हैं। महावीर प्रभुवर की वाणी हमको सुनाने आए हैं। सत्य अहिंसा स्याद्वाद की घर घर ज्योति जलाए हैं। जैन धर्म का अनुपम अमृत सद्गुरुवर जी लाए हैं। जियो और जीने दो काये, जय लहराने वाले हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। चातुर्मास की बेला आई, जय सदाचार संरक्षण होगा धर्म ध्यान तप साधन से। मानवता मानव में जगेगी जिन वाणी श्रुत आगम से। खिल उठेंगी दिल की कलियां सदगुरु संत समागम से। चार मास संयममय जीवन जुड़ेंगे हम परमात्म से। प्रसन्न धरती पे उतरे वो, जय सन्न धरती पे उतरे वो, जन्नत के नजारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। चातुर्मास की बेला आई, जय चातुर्मास की बेला आई, जय गुरुदेव। चातुर्मास की बेला आई, सद्गुरुवर जी पधारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। चातुर्मास की बेला आई, जय गुरुदेव। मेरे गुरुवर आए हैं, ज्ञान की गंगा लाए हैं। महावीर प्रभुवर की वाणी हमको सुनाने आए हैं।
सत्य अहिंसा स्यादवाद की घर घर ज्योति जलाए हैं। जैन धर्म का अनुपम अमृत सदगुरुवर जी लाए हैं। जियो और जीने दो काये जय गुरुवर, जियो और जीने दो काये ध्वज लहराने वाले हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। चातुर्मास की बेला आई जय सदाचार संरक्षण होगा धर्म ध्यान तप साधन से। मानवता मानव में जगेगी जिन वाणी श्रुत आगम से। खिल उठेंगी दिल की कलियां सदगुरु संत समागम से। चार मास संयममय जीवन जुड़ेंगे हम परमात्म से। प्रसन्न धरती पे उतरे वो जय सन्न धरती पे उतरे वो जन्नत के नजारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। जिन शासन के बच्चे बच्चे जय जय गुरुदेव पुकारे हैं। चातुर्मास की बेला आई जय आरती उतारो तारे पल पल निहारो प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज। आज तारी आरती उतारो सहारनपुरी की धराधन है। जहाँ जन्मे मेरे गुरुवर है जिन वाणी के लाल। आज तारी आरती उतारो। नमोकार चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम दिन रात तरक्की करते रहे हो। सूर्य नगर वालों ने तुम्हें बहुत अच्छा माना है। तुम्हारा बहुत स्वागत करते हैं। तुम इनके साथ हमेशा जुड़े रहो। तुम्हें नमोकार चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये हमारे मोहित जी हैं। कहाँ गए मोहित जी? हाँ इनके इन्हें ना इनका साथ ना छोड़ियो कभी। हाँ ये इनमें मोहिनी कर्म है। ये ऐसे पढ़ लेते हैं मोहित कर लेते हैं। बहुत आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद। शांतिनाथ भगवान की जय। मुनि प्रतिज्ञानंद जी महाराज की जय। बड़े हर्ष का बड़े सौभाग्य की बात है कि आज महाराज जी का चतुर्मास स्थापना हुआ। सभी आपसे निवेदन है कि आप सूर्यनगर महाराज जी के दर्शन करने जरूर जरूर आए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारे यहाँ बहुत सुंदर चातुर्मास की स्थापना मुनि प्रतिज्ञानंद जी महाराज की 2022 की हुई। इसके लिए सारा समाज ने बहुत कोशिश की और जिसका श्रेय हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और हमें 4 महीने तक ज्ञान की अविरल गंगा जो महाराज जी के ज्ञान की बहेगी वो हमें प्राप्त होगी। बोले मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के परम शिष्य प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज का चातुर्मास कराने का सौभाग्य सूर्यनगर समाज को प्राप्त हुआ। आज कलश स्थापना का कार्यक्रम बहुत ही आनंद संपन्न हुआ। उसके लिए हम यहाँ के समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा रखते हैं कि आगे भी सभी कार्यक्रमों में इसी तरह से समाज हमें अपना सहयोग प्रदान करती रहेगी। धन्यवाद। चतुर्मास का अवसर आया है। किस्मत से ये मौका पाया है। चतुर्मास का अवसर आया है। किस्मत से ये मौका पाया है। क्या तूने खोया है? क्या तूने पाया है? कर ले तू इससे काला मन। चतुर्मास का
नमस्ते। मिलना आइए हमारे बीच में कबूल नगर जैन समाज भी पूरे ठाट बाट के साथ भक्तिभाव के साथ कुछ गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित होने के लिए आई है। संपूर्ण कबूल नगर जैन समाज गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पण कर रही है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। हमारे बीच में ऋषभ बिहार जैन समाज से भी पूज्य गुरुदेव के भक्त गुरु के दर्शनार्थ पधारे हुए हैं। बोली के माध्यम से सौभाग्यशाली पात्र का चयन करना है, चित्त का अनावरण करने के लिए कौन है सौभाग्यशाली जो आज के इस सुबह में शांतिनाथ भगवान के चित्त का अनावरण कर सके, कहां से बोली प्रारंभ करें, सीखता करें, जिससे कि आज का कार्यक्रम शुभारंभ कर सके। सुरर 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 सुर कहां से करूं मैं बोली शुरू, सुरर 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 सुर कहां से करूं मैं बोली शुरू। भैया बोली आज लगाना इसको है पुण्य कमाना, सुरर 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 सुर कहां से करूं मैं बोली शुरू। चित्र का अनावरण करने के लिए कहां से बोली प्रारंभ करें, हमारे बीच में बहुत सारी समाज भी बाहर से आई हुई हैं, वो समाज के द्वारा भी चित्र का अनावरण कर सकते हैं, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कहां से बोली प्रारंभ करें चित्र का अनावरण करने के लिए, 1111 में ताली जरूर बजाएं, एक कदम बढ़े आगे जरूर बढ़ेगा, पहले कदम की सराहना जरूर करें। 1111 में बड़े सुपा में चित्र का अनावरण करने के लिए, चित्र का अनावरण करने के लिए सीखता करें। करते हैं हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं श्री नितिन जैन जी का मिलकर स्वागत करते हैं हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। चित्र का अनावरण करें और उसके पास शांति प्रज्वलन का कार्यक्रम चित्र अनावरण। जरा तस्वीर से तो परिवार के जो भी इनके परिवार के सदस्य वो भी आ जाएं और चित्र अनावरण में सहयोग करें। हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं संजीव जी का मिलकर हम सब स्वागत करते हैं हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। आइए चित का नमन करें। बोले देवादि किरण जी शांतिनाथ भगवान की जय। बोले देवादि किरण तस्वीर से तो निकल के सामने आ प्रभु देवा शांतिनाथ देवा मेरे प्रभु देव। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए दीपक प्रज्वलित कीजिए। हो या नहीं अभी होना है पंडित जी होना है ज्ञान का दीप जगाते चलो मोह की निंदिया भगाते चलो मोह की निंदिया भगाते चलो गुरुवर दयालु जगाते हमें गुरुवर दयालु जगाते हमें ज्ञान को मन में जगाते चलो ज्ञान को मन में जगाते चलो। बोले देवाधिकारी श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। हमारे बीच में संपूर्ण दिल्ली प्रदेश से और आसपास से बहुत सारे समाज हैं पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में अपने भाव चंदन तंदल पुष्प कई चर सुदीप सदूप पदार्ग के सवल मंगल गान रवाकुल इन ग्रहे गुरुदेव में हम जजे। ओम ऋषि परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल अर्पण पामते स्वाहा। आते जाएं और सभी लोग हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था की बहन श्रीमती उमा जी जैन है शालीमार गार्डन से बुवाएं और गुरुवार के पावन चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पीछा नहीं छोड़ा आज यहाँ भी चली आई बहुत काबिल है बहुत योग्य है और ये क्या नाम तरुण जैन बहुत काबिल योग्य व्यक्ति है। मैं महिला मंडल की सदस्यों श्रीमती संगत जैन निशाजी जैन आइए ना सम्मान करें उमा जी का सम्मान करें तिलक लगा के पटका पहना के इनके माथे पे तिलक लगाना
इनके गले में पटका उड़ाना, ये बहना है मेरे गुरुदेव के। करते स्वागतम करते स्वागतम करते स्वागतम। श्री मुकेश जी जन विवेक बिहार वो भी आए और गुरुवार के चरणों में श्री फल अर्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, यहाँ श्रीफल दो, पटका दे जाएं। मुकेश जैन विवेक बिहार वह तिलक लगा करके सम्मान करते जाएं। दो तीन लोग खड़े हो जाएं, बहुत बढ़िया, इतने सारे लोग आए उत्तम नगर से। जय हो, जय हो। एक बार ताली बजा करके अनुमोदन करें। चलिए गुरु की भक्ति करेंगे उत्तम नगर वाले, क्या कर रहे? मेरे सर पर रख दो गुरबर अपने ये दोनों हाथ, गुरबर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। हाँ गुरबर हमको दीजिए अपना चातुर्मा, मेरे सर पर रख दो गुरबर, मेरे सर पर रख दो गुरबर अपने ये दोनों हाथ, गुरबर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। परम पूज्य मुनि से प्रतिज्ञा ने महाराज इनके पावन चरण उत्तम नगर जैन समाज के पावन जला दिए अर्गम पामते स्वाहा। दुल पुष्प कई चर सुदीप सदूप पलार्ग के धवल मंगल गान रबाकुल दिन ग्रह मुनिराज में हम जुजे। ओम ऋषि परम पूज मुनि श्री प्रतिज्ञा ने महाराज के पावन चरणों में श्रीफल अर्पण कर पामते स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु, जय जय गुरुदेव। सभी हाँ अपना सम्मान स्वीकार कर जाए। लीजिए इनका भी सम्मान करें। हमारे बीच में शाहदरा की धर्मनगरी कबूल नगर से जैन समाज के सभी महानुभाव पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी समाज के विशिष्ट महानुभाव बुआएं और गुरुवर के पावन चरणों में श्री फल अर्पण करें। कबूल नगर से महामंत्री श्री परवीन जैन, धीरज जैन, दीपक जैन, अंकित जैन और सारा समाज आया हुआ है वहाँ से, तो सभी आएंगे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओम परम पूज्य मुनि श्री प्रतिज्ञा ने महाराज के पावन चरणों में कबूल नगर जैन समाज का मन से वचन से काश ने वहां जला दी अर्घम द्रवपाम देश। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सभी का भगवान सम्मान। हमारे बीच में नीति खंडित अपरम से जैन समाज पधारे हुए हैं वो भी आए और गुरुवार के चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। संजय जी जैन जय शांत सन निकेतन मंडोला के कोषाध्यक्ष भी हैं जैन समाज, इनका भी बहुमान सम्मान स्वीकार। हमारे बीच में शांत महालक्ष्मी से श्री शरद जी जैन, प्रवीण जी जैन साहब पधारे हैं जो आपको संपूर्ण भारतवर्ष की धार्मिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वो शरद भैया का विशेष योगदान है। मैं निवेदन करता हूं वो आएं और गुरुवार के चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए और जैन समाज सूर्यनगर का भी सम्मान स्वीकार करें। शरद जैन, प्रवीण जैन भैया Thank you.
तालियां बजाते जाएं। और इसको स्थापन करने का सौभाग्य कौन है महानुभाव जो प्राप्त करेगा? कहां से बोली प्रारंभ करें? कलश कलश एक की ही बोली होनी है, मात्र एक ही कलश है। आपको कलश बहुत सारे नजर आ रहे होंगे लेकिन मात्र एक कलश की बोली होगी। दूसरा कलश जो है उसका कूपन 21 रुपए का कूपन रखा गया है, जो भी महानुभाव से लेना चाहे वो प्राप्त कर लेगा कार्यक्रम के पश्चात। अभी मुख्य मंगल कलश कहां से बोली प्रारंभ करें? 31,331 रुपए, 31,331 में। आइए बोली लगाइए, आइए। हाँ चलिए, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नव कुमार जी का मिलकर हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी बोली समाप्त तो हुई है, प्रोग्राम थोड़ी पूरा हुआ है, प्रोग्राम तो अभी चल रहा है, पूज गुरुदेव को सुन के जाना है, अभी बहुत सारे कार्यक्रम शेष हैं। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव के हाँ कार्यक्रम के पश्चात भोजन की बातचल भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, हाँ मंदिर समिति की ओर से। हाँ तो आप सबसे निवेदन कृपया ऐसे ना जाएं और भोजन करके ही पधारें, नहीं तो आपको दोष लगेगा क्योंकि आपके आने की व्यवस्था की है। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना करते हैं बारंबार। ओ चलिए सभी बैठ जाएं, अनुभव भी आ गए, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए आइए, अब समय है गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का, और कौन है सौभाग्यशाली जो गुरुदेव के पादों का प्रक्षालन करेगा और उनका आचरण अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा? आइए दिगंबर साधु चलते फिरते तीर्थ कहे जाते हैं शिखर जी के पाद प्रक्षालन करे, के पाद प्रक्षालन कर हमें अयश करम न सेवा, के पाद प्रक्षालन करे।
प्रक्षालन करे। भले परम पूज्य मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज की जय हो, जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आइए, मुख्य कलश लेने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है बोली जा चुकी है, लेकिन सभी का मानस होता है, सभी के भाव होते हैं कि कोई ना कोई कलश हमारे घर में जरूर स्थापित हो, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़े, धन धान्य की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, ऐसी सबकी भावना होती है। आपके लिए एक अवसर जैन समाज सूर्यनगर ने दिया है, दे रहे हैं। सभी लोग बैठ जाएं, सभी महानुभाव के बात्सल भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम के पश्चात, अभी नहीं, कार्यक्रम के रामनगर वाजू मंदिर में उसके बेसमेंट में सबके वात्सल भोजन की व्यवस्था की गई है। तो आप लोग सभी लोग कार्यकारिणी कमेटी की ओर से की गई है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे गुरुवर के चरणों में। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनि राज की। आनंद नहीं आया। कबूल नगर वाले बैठे और आवाज इतनी कम हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता। जय बोले मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनि राज की। ये हुई ना बात। जय करा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जागा यहाँ, जागा यहाँ, देखो भागी जगा, गुरुवर ने हमें जो अपना दर्शन दिया। तो कर ही नहीं रहे गुरुजी, कुछ ज्ञान तो दे ही नहीं रहे, क्या करें बैठ के। सब आएंगे, दर्शन करेंगे, नमोस्तु करेंगे और चले जाएंगे। तो गुरुवर हमारे हमें क्या देते हैं, मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए। ज्ञान के सागर है, अमृत की गागर है, ज्ञान के सागर है, अमृत की गागर है। ऐसा
गुरुवर ने दर्शन दिया, गुरुदेव तो यही है, दर्शन करने वाले आते रहें, दर्शन मिलते रहेंगे, आप बार बार आते रहें, बहुत सुंदर भाव। आइए हमारे बीच में शाहदरा से श्री भूषण जी जैन, सतीश जी जैन आए हैं, वो भी आए और गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सतीश जी जैन, भूषण जी जैन आए, भूषण प्रकाश जी जैन, हाँ आइए और समाज के महानुभाव उनका तिलक लगा करके पटका पहना करके सम्मान करें। एक बार जो कलश में नाम जिन्होंने प्राप्त हुए मैं नाम बोल देता हूँ, श्री शशिबाला जैन, रामप्रस्त, योगेश जैन, संगीता जैन, सुषमा जैन, श्री 132, सतीश जैन, मीना जी जैन, सुधा जी जैन, श्री 220, मुकेश जी जैन, विपिन जैन, विवेक प्यार, महेंद्र जैन, गजेंद्र जैन, सूर्यनगर, संजय जैन, रेणु जैन, श्री विमल जैन, हिना जैन, अमोलक चंद जी जैन, श्री गौरव जैन, मुकेश जैन, संजीव जैन, 156 चंद्रनगर, राकेश जैन, दिनेश जैन, ऋषभ प्रॉपर्टी, सुमन जैन, सी 26 सूर्यनगर, अरविंद जैन, आशीष जैन, सूर्यनगर, ये नाम हमारे पास आए। एक बार करतल ध्वनि से सबके नाम की प्रशंसा करें, अनुमोदन करें। आइए अब गुरुवर के पावन कर कमलों में शास्त्र को भेंट करने का सौभाग्य, जिनवाणी सरस्वती को प्रदान करने का सौभाग्य कौन है मानवा जो प्राप्त करेगा? हाँ जी अमोलक जी, देखिए 7 कलश और बचे हैं, 7 नाम की आवश्यकता और है, जो भी मानव अपने नाम यहाँ पे प्रदान करना चाहे, देना चाहे, उनके नाम की घोषणा भी यहाँ पे हो जाएगी। 7 कलश और शेष हैं, आइए 7 कलश और शेष हैं, एक नाम लिखिए, नाम बताइए, श्री अनिल जैन और अंजू जैन, हाँ अनिल जी जैन, अंजू जैन, एक नाम, मात्र 6 कलश और हैं, श्री नरेश जी जैन, प्रदीप जी जैन, सूर्यनगर, कबूल नगर, 5 कलश और शेष हैं, 5 नाम और शेष हैं, यथाशीघ्र अपने नाम यहाँ पहुँचाएं। चलिए हाँ जी योगेश भाई, जब कलश वो शास्त्र भेंट बोली बोली, आइए चलिए आइए बोल रहे हैं, आइए मैं शास्त्र पूज्य गुरुदेव के पावन कर कमलों में समर्पित हो उसके पूर्व मैं निवेदन करता हूँ श्री लव कुमार जी से, वो आए और अपने भाव पूज्य गुरुवर के चरणों में रखें। इतना आप नाम लिखो, नमः श्री वर्धमानाय निधूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले प्रतीकानंद मुनिराज की जय। आज दिनांक 15 जुलाई 2022 आषाढ़ बदी दोज को मुनि प्रतीकानंद जी महाराज, जो सरल हृदयी उदार चित्त वाले, ज्ञान की अविरल गंगा प्रभावित करने वाले गुरुदेव का 2022 का मंगल चतुर्मास हमारे सूर्यनगर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है, ये हम सभी का परम सौभाग्य और असीम पुण्य का उदय आ जाया है। मैं साफ साफ बताऊँ तो हमने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन रंग जरूर चोखा आ गया। कई समाजों से गुरुदेव के मंगल चतुर्मास हेतु श्रीफल चढ़े, उनमें से विशेषकर गुल्ला वाटिका वालों का मैं नाम लेना चाहूँगा, कि उन्होंने काफ़ी दिन पहले से प्रयास प्रारंभ कर दिया था, लेकिन गुरु का सानिध्य उन्हीं प्राप्त हो पाता है जिनका पुण्य जोर मार रहा हो। जिस प्रकार भगवान का समय स्मरण स्वयं ही उसी ओर जाता है जहाँ के निवासियों का पुण्य तेज होता है, लेकिन मैं उन समाजों से जिनको गुरुदेव का यह चतुर्मास नहीं मिल पाया, उनसे विनती करता हूँ कि ऐसे सरल साधु के लिए उन्हें आगे प्रयासरत रहना चाहिए। गुरुदेव का मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन, मंगल आशीर्वचन दिल के भीतर तक असर छोड़ने वाला है। उनकी वाणी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति गुरुदेव आज भगवान अरिहंत के लघुनंदन के रूप में हमारे जिन मंदिर में उच्च आसन पर विराजमान है, यह हम सूर्यनगर से रिलेटेड
पांचों कॉलोनी के लगभग 800 परिवारों का परम सौभाग्य आज जागृत हुआ है। गुरुदेव का धर्म के क्षेत्र में कैसे धीरे धीरे पदार्पण हुआ उसका एक छोटा सा विवरण। कृपया सब शांत बैठेंगे, नहीं तो मैं बाद में बोल लूंगा भाई, या तो आप ही बोल लीजिए या मैं ही बोलिए। शांतिनाथ भगवान की। हाँ जी प्लीज। प्लीज अगर आप ही बोलने तो आप ही बोल लीजिए, आप ही ले लीजिए माइक। हाँ जी बहन जी भाई सब, गुरुदेव का धर्म के क्षेत्र में कैसे धीरे धीरे पदार्पण हुआ इसका एक छोटा सा विवरण यहाँ प्रस्तुत है। गुरुदेव ने सहारनपुर यूनिवर्सिटी से डबल एमएससी की शिक्षा प्राप्त की, तत्पश्चात उसी कॉलेज में 40 वर्षों के लंबे अंतराल तक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे। गुरुदेव ने चाहे दीक्षा आज से 3 वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 को कैलाश नगर में आचार्य प्रज्ञा सागर द्वारा ग्रहण की हो, लेकिन उनका जीवन पिछले 30 वर्षों से, कृपया शांत रहें, लव कुमार जी को सुने क्या कह रहे हैं, घर में रहकर वैरागी जैसा ही था, क्योंकि आज से 25 वर्ष पहले गुरुदेव ने 1997 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और उन्हीं से 2010 में सप्तम प्रतिमा ग्रहण की। पिछले 25-30 वर्षों से विद्यानंद मुनिराज के पास भी वो आशीर्वाद लेने जाते रहते थे। आचार्य विद्यानंद गुरुदेव से प्रतिकानंद महाराज काफ़ी प्रभावित थे और गुरुदेव ने पिछले 25-30 वर्षों से स्वयं ही शास्त्रों का गहन अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किया और फिर 14 फरवरी 2019 का वह पावन दिन भी आया जब गुरुदेव कैलाश नगर में रमोकार महामंदिर के रमो लोय सब सवर्णम पथ पर आरूढ़ हुए और ढाई दीप में विराजमान 3.9 करोड़ मुनि महाराजों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। निर्गंथ रूप के बिना पंच परमेष्ठी में कोई स्थान नहीं और उसके बिना मुक्ति भी संभव नहीं। भरत चक्रवर्ती को भी अपनी अटूट संपदा से किंचित भी आसक्ति न होने के बाद भी आखिरी 2 वस्त्रों की ग्रंथि को त्यागने पर ही निर्गंथ अवस्था से मुक्ति का मार्ग मिला। कृपया शांत रहें, बार बार कहा जा रहा है तो अच्छा लगता है। हमें सूर्यनगर जैन समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सूर्यनगर जैन समाज हमेशा ऐसे कार्यों में अग्रणी रहा है, सभी आगे से आगे बढ़कर सारे कार्यों को कर रहे हैं और सारे समाज में एक उमंग और खुशी का वातावरण व्याप्त है। सारे महिला मंडल और नैतिक शिक्षण शिविर की शिक्षिकाओं का सहयोग यहाँ मिल रहा है। यहाँ सूर्यनगर में पूरे वर्ष नैतिक शिक्षण शिविर की क्लास चलती है, यह हमारी एक विशेषता है। समाज के अध्यक्ष श्री योगेश जैन एवं महामंत्री श्री अमोलक जैन का योगदान सराहनीय है और दूर दराज से आए सभी समाजों एवं गणमान्य अतिथियों सूर्यनगर जैन समाज को सूर्यनगर जैन समाज अभिनंदन करता है और सभी से नम्र निवेदन करता है कि प्रोग्राम के पश्चात हमारा आतिथ्य स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण करके जाएंगे। भोजन की व्यवस्था मंदिर जी के बराबर में राम मंदिर के बेसमेंट में की गई है, जहां मुनि प्रतिज्ञानंद जी महाराज का कबूल नगर जैन समाज सादरा में पिछले वर्ष 2021 का मंगल चतुर्मास हुआ। वहां के कर्मठ कार्यकर्ता तथा वहां के महामंत्री श्री प्रवीण जैन अपनी पूरी समिति और समाज के साथ यहां उपस्थित हैं। उस टीम में मैं अलग अलग किसका नाम लूं, सभी एक से एक बढ़कर कुशल कार्यकर्ता हैं। मैं तो सीट पर रहते हुए कार्य कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ ऑर्डर देता था और काम चुटकियों में हो जाता था। अतः मैं श्री प्रवीण जैन से अनुरोध करता हूँ कि गुरुदेव के संदर्भ में 2 शब्द कहें। श्री प्रवीण जैन कपूर नगर। 2 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट जय बोले देवादिदेव मूल नायक शांतिनाथ भगवान की। देखिए ये क्षण बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमें, साल भर में एक बार चतुर्मास की स्थापना होती है और समाज को एक साथ मिलने का
सौभाग्य और बहुत सारे समाजों के साथ मिलने का सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है। आप सबसे अनुरोध यही होता है कि जो भी अगर कोई वक्ता अपनी बात रखना चाह रहा है तो वो बात अपने दिल से रखता है, तो कृपया उसकी बात को मैं बहुत तरीके से सुननी चाहिए। हमारे लव कुमार जी जैसा कर्मठ कार्यकर्ता लाखों करोड़ों में ढूंढेंगे तो शायद एक भी ना मिले। ये बिल्कुल गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कार्यकर्ता लाखों करोड़ों में से एक भी नहीं मिलेगा जो हमारे लव कुमार जी जितने तन से मन से और धन से करते हैं काम, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी अपनी कि उनका नाम हो, इस तरह का कोई भी काम उनका और उनका पूरा परिवार ना हमने ऐसा आज तक देखा और ना वो आज तक ऐसे हुए। तो आपसे छोटी मुँह बड़ी बात करिए कि कृपया करके जो भी बोले उनकी बात हम बड़े ध्यान से सुने, तभी इन कार्य को करना हमें सार्थक है। बात तो हम टेलीफोन पे व्हाट्सएप पे रोज़ करते ही रहते हैं, तो आपसे अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परम पूज्य मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज की, केवल मात्र चौथा चतुर्मास हमारे मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज जी का दिल्ली की धरा पर होने जा रहा है। सहारनपुर के रहने वाले हमारे महाराज श्री बहुत बड़े प्रोफेसर सहारनपुर यूनिवर्सिटी में रहे हैं, बहुत संपन्न परिवार, बहुत उच्च कुल का परिवार, एक बच्चा रशिया में, एक बच्चा यूएसए में और एक बच्चा पुणे में, कई कई कोठियाँ, कई कई फ्लैट्स, हर तरह संपन्न, लेकिन उसके बाद भी 75 वर्ष की आयु में दिगंबर मुद्रा धारण करके आपने जो समाज को प्रत किया है और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आप इस मार्ग पर निकले, इसके लिए आपको बहुत बहुत समाज हमारा आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है कि हम लोगों की भावना भी ऐसे बने कि अंतिम समय में हम भी समाधि मरण प्राप्त कर मोक्ष मार्ग के ओर अग्रसर हों, ऐसी हमारी सबकी भावना होनी चाहिए मुनिश्री की अवस्था को देखकर। क्योंकि मैं मुनिश्री के साथ पिछले 2 साल से लगातार जुड़े हैं हम, जैसे कि आपको सभी को बताया कि 2021 में जो कोविड की महामारी, प्रचंड महामारी जो 2020 में भी नहीं आई थी, जो 2021 में आई, जो हमें असमय में 30 से 50 साल के व्यक्तियों को लील गई, ऐसे समय में महाराज श्री हमारे यहाँ विराजमान थे। ऐसा कठिन समय था कि जिसको झेलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ऐसे महाराज मैंने आज तक मेरी नज़र में नहीं आए कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये कुछ कहा ही नहीं है कि मुझे इस तरह की कोई व्यवस्था चाहिए या यहाँ मुझे ये परेशानी है, यहाँ मुझे दिक्कत है। शायद अब तो कोई चौके वाला उनके साथ है, लेकिन उससे पहले कोई चौके वाला भी साथ नहीं, तो केवल सिंगल पर्सन महाराज जी अकेले रहते थे 75-77 की उम्र में, जो भी महाराज श्री की आयु उसके बीच में ही होगी। बहुत मुश्किल होता है, जवान साधु भी अपने साथ चाहता है कि मेरे साथ 2-3 नौकर चलें, चाकर चलें, मेरा पानी भरें, जल भरें, मेरे हाथ पैर दबाएं या मेरी वैयावर्ती करें या मुझे सुने। सबसे प्लस पॉइंट महाराज श्री के साथ यही है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके पीछे सब कुछ भागता है, जिसको सब कुछ चाहिए उसके पीछे सब कुछ छूट जाता है। तो ये महाराज जी के पीछे आज उत्तम नगर वाले भाऊजी हमारे बैठे हैं, पिछले साल भी हमारे आए थे, जनकपुरी वाले बैठे हैं और मुख्य रूप से हमारे ज्योति कॉलोनी वाले भाई संजय जी और भाई कमल जी, जिन्होंने बहुत भरपूर वैयावर्ती पिछले साल कोविड के दौरान महाराज श्री की करी, और हमारे कबूल नगर के 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने 8 महीने महाराज जी को ये एहसास भी नहीं दिया कि चौका व्यवस्था क्या होती है। ऐसी हमारी महिला मंडल बहन हीरा जी, उनके साथ अंजू जी, निधि जी और बाकी महिलाएं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, शशि जी, वे सब भी बहुत उन्होंने साथ दिया। और क्या इत्तेफाक रहा कि 2018 में हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ मुनि श्री हनुमान सागर जी का, तो 2019 में चतुर्मास मिल गया सूर्यनगर को, 2021 में चतुर्मास हुआ प्रतिज्ञानंद जी के कबूल नगर में, तो 2022 का चतुर्मास मिल गया मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी को। तो मैं अपनी बातें विराम दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से खबर आ गई कि देर हो रही है, मेरे मन में और बातें भी थी, लेकिन आप सभी को सादर जय जय, महाराज श्री के चरणों में सादर नमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया अपनी बात को सबके समक्ष रखने के लिए। अच्छा, आइए हमारे बीच में ज्योति कॉलोनी से कमल भैया, अनुज भैया कुज गुर्दे के पावन चरणों में आए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो आए श्रीफल अर्पण करें, आपको श्रीफल अर्पण करें, सौभाग्य प्राप्त करें। ये अनन्य कार्यकर्ता हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है धर्म के क्षेत्र में ये सबसे आगे खड़े रहते हैं। आइए इनका भी सम्मान सूर्यनगर जैन समाज तिलक लगा करके पटका पहना करके करें।
लव भैया, अम्मू लव जी आइए। मैं एक बार जो नाम आए हैं उनके नामों की घोषणा पुनः कर रहा हूँ। हमारे पास कलशों के नाम आरक्षित हो चुके हैं, मात्र एक कलश है जो आप उसमें अपनी योगदान दे सकते हैं, जो रजत कलश है, द्वितीय मुख्य कलश है चतुर्मास का। 21 रुपये की उसमें राशि है, लकी ड्रॉ उसमें कूपन के माध्यम से निकलेगा। क्या 21,000 में? 21,000 में? 21,000 में नाम बता रहे हैं वो, उनका नाम, नाम बताइए क्या है? श्री मगनजी जैन, मगनजी जैन चक्रेश जी जैन परिवार ने। एक बार ताली बजाकर अनुमोदना करें। श्री राकेश जैन जोलावर परिवार, श्री सुरेश जैन, मनोज जैन, नितिन जैन चंद्रनगर, श्री अजित प्रसाद बबीता जी जैन, श्री अतुल जैन, विनीता जी जैन, श्री पूनम जैन, प्रदीप जैन, श्री संजय जैन, स्वीटी जैन सूर्यनगर, श्री नरेश प्रवीण जैन कबूल नगर, श्री अनिल जैन, अंजू जैन सूर्यनगर। और ये नाम पहले घोषणा कर चुके हैं। एक बार सबकी बहुत बहुत अनुमोदना प्रशंसा, करतल ध्वनि से अनुमोदना। ऐसे पावन क्षण आपको पुनः पुनः हर बार मिलते रहें। चलते हैं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। गुरुदेव के पावन करकमलों में जिन वाणी को भेंट करने का पावन अवसर, एक जिन इनको तो एक सांस इनको, हाँ राज भैया भजन बोलो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख भेंट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दुख भेंट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख भेंट दो, जिनवाणी जग मैया। चलिए हाँ आगे बढ़ते जाएं और जिनवाणी को पूज गुरुदेव के करकमलों में भेंट करते जाएं। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। शरण सा मैल तुम्हारा गण दर्ज से भैया, समव शरण सा मैल तुम्हारा गण दर्ज से भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तिलकर से सैया, जन्म दुख भेंट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख भेंट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। शांतिनाथ भगवान की जय। आइए अब पूज गुरुदेव की मंगल पूजन करने का अवसर है। मैं यथाशीघ्र देखिए आपको एक बार सूचना कर दूं, अभी कार्यक्रम के पश्चात वात्सल भोजन की व्यवस्था है, जिसमें निर्माल्य का कोई पैसा नहीं है। इसमें मंदिर की जो कार्यकारिणी समिति है उनके द्वारा भोजन की व्यवस्था है, तो आप भोजन करके जरूर पधारें। हाँ कोई विकल्प बिल्कुल ना रखें, ये आरती का है। मन तेरा पाकर मेरा झूमे उठा मन वो, गुरुवर तू है चंदा ओ मैं हूँ चको, दर्शन तेरा पाकर मेरा झूमे उठा मन वो, मेरे ही शिवर है गुरु भगवान, गुरुवर के दर्शन से मिले हैं चारों धाम, श्रद्धा से पथ सारा
गया है भक्ति के गीतों से तुझको पुकारा है भक्तों के तुम हो गुरुवर मेरे सरताज प्रतिज्ञा नंद मुनिन्द्र अत्रय अवतर अवतर सम्मोषट आवरण ओम रम श्री इक्ष्वाकु मुनि प्रतिज्ञा मुनि अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय स्थापना ओम रम श्री मुनि इक्ष्वाकु मुनि प्रतिज्ञा मुनि अत्र मम सन्निधौ सन्निधि करण एक बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए जल लेकर के पीछे से महिला मंडल आया सूर्यनगर वाले, हाँ दे दो उनको अंजू जी जल लेके आओ, महाराज जी के चरणों में भक्ति करते हैं। सभी पहुंचे हैं वहां, एक एक द्रव्य लेकर के सूर्यनगर से बोलो। प्रज्ञा के सिंधु में ज्ञान है समाया, श्रद्धा की कलसी को भरने में आया, मेरे सविकारों को करिए गुरु बिना, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आ, गुरुवर तू है चंदा तो मैं हूँ चको, दर्शन तेरा पाकर मेरा जो मैं उठा मन मो। एक शॉट मुनि प्रतिज्ञा नंद मुनिंद्राय जन्म जरा मित्र जन्म पाम देश चंदन लेके आए उत्तम नगर की महिला मंडल, हाँ जल्दी जाइए चंदन लेके। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों से लग जाऊं, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों से लग जाऊं, मैं फूल बन कर तेरे हो, मैं फूल बन कर तेरे चरणों पे चढ़ जाऊं, चंदन की खुशबू से प्रतिज्ञान मुनिंद्राय भवतापनास चंदन रूपामतीश। आइए अक्षत लेकर के, हाँ ज्योति नगर जैन समाज ज्योति नगर से है मानुभाव चले गए, कमल भैया क्या गए कब, हाँ कमल भैया अक्षत लेकर के आए, संजय भैया हाँ जी आइए चलिए भक्ति के साथ। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, अकेले वन में जी शिखर वन में, अकेले वन में जी शिखर वन में, के होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में। ओम रोम श्री मुनि प्रतिज्ञानन मुनिन्द्राय नमः क्षेत्र प्राप्त स्थान रूपांति। चलिए पुष्प लेकर कबूल नगर जैन समाज खड़े हो जाए सभी, कबूल नगर के जैन महानुभाव हाँ बोले। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, ये धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना, जय हो 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 जय हो। ओम रोम नम श्री इक्ष्वाकु मुनि प्रतिज्ञानन मुनिन्द्राय नमः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवामितेश। चलिए उत्तम नगर के पुरुष मंडली जो भी पुरुष महानुभाव हैं, महिला पुरुष सब इकट्ठे एक साथ आ जाएं, महिला महिला मुझे पुरुष रहेगा देख रहे, आइए बोलो भैया। तुम तो ठहरे भीतरागी, तुम तो ठहरे भीतरागी, गुरु हमें गवनाओगे, तुम तो ठहरे भीतरागी, तुम तो ठहरे भीतरागी, हमें गवनाओगे, तुम तो ठहरे भीतरागी, हमें गवनाओगे, ऋषियों के हाँ ऋषियों के राहों पर देश। चलिए अब वो लेके आ रहे हैं दीप लेकर के आ रहे हैं पीसी जैन साहब अमूलक जी मोहित जैन हाँ युवा मंडल सुईनगर सभी आया। ए मेरे प्यारे गुरुवर मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया,
परते ज्ञान दी मुनि रे मैं तेरा हो गया मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर मैं तेरा हो गया मुनि प्रतिज्ञान मुनिंद्राय नमः मोह अंधकार विनाशनाय दीपम द्रवापामतेश नमोस्तु भगवान। आइए धूप लेकर के आए जो पीछे की महिला रह गई हैं आप लोग उठ जाओ। हाँ कुर्सी वाली सब महिलाएं जाओ जो जब से गुरु मिले तो मेरे भाग्य खुल गए ऐसा हुआ असल ऐसा हुआ असही के सभी भक्त बन गए जब से गुरु मिले तो मेरे भाग्य खुल गए। ओम राम ईश्वर मुनि से प्रतिज्ञान मुनि इंद्राय अष्टकर्म दाय धूपम द्रवपामते। आइए पुरुष कार्यकारिणी जैन समाज सूर्यनगर। हाँ योगी हाँ प्रदीप जी हाँ कुर्सियों पे जो बैठे हैं सभी पुरुष मानव वो आ जाएं। उठो जल्दी कुर्सियों वाले। हाँ चेयरमैन चेयरमैन आज हमारो रंग केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम सबके बाब केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। एक बार मुनि प्रतिज्ञान इंजनिंदाय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम द्रपाम देश। चलिए अब कहीं कोई बाहर की समाज बैठी हो और रह गई हो आइए गुलाब बाटिका जैन समाज। आइए गुलाब बाटिका जैन समाज अर्घ लेकर के पूज गुरुदेव के चरणों में। साची कहे तोरे आवन से गुरु जी साची कहे तोरे आवन से गुरु जी अंगना में आई बहार गुरु जयमाला के लिए चलिए चलिए सबकी एक सामूहिक भक्ति सुंदर बिल्कुल बिल्कुल। दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का है सारा संसार दर्श को आते हैं दर्श को आते भक्त हजार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का Oh
जो भी है गुरु के दर पे आता खाली नहीं कब जाए, जो भी गुरु के दर पे आता खाली कहीं नहीं जाए, पर खाली झोली लेकर आए भर के यहाँ से जाए। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का है सारा संसार, दर्श को आते हैं, दर्श को आते भगत हजार। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जय हो। प्रतिज्ञानंद जी मुनिवर देखो सबके बहुत है प्यारे, प्रतिज्ञानंद जी मुनिवर देखो सबके बहुत है प्यारे। जैन धर्म की इस शान है जैन धर्म उजियार। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का है सारा संसार, दर्श को आते हैं, दर्श को आते भगत हजार। दीवाना गुरुवर का, ऐसे नहीं पता चल रहा, ऐसे नहीं पता चल रहा। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, शिव मंदिर महावीर स्वामी। ये धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। जय हो, 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 जय का मंथन। कहते हैं ज्ञानी, कहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है झूमे मस्ती में। जय हो, 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 जय करा गुरुदेव का। बहुत सुंदर, उत्तम नगर वालों तो चार चांद लगा दिए। ये ऐसे नहीं ग्रीन साड़ी पहन के आई, उत्तम वाले सर्वोत्तम है। जय हो। ओम ह्रीम परम पूज मुनि श्री प्रतिज्ञान मने साक्षात ब्रह्म के पावन चरण जय माला पुनर्गम नर पाम दे स्वाहा। हे गुरुवर नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सभी यथास्थान बैठ जाए, अब समय है पूज गुरुदेव को सुनने का। बैठ जाए सभी। हाँ, जिन्होंने कलश नहीं ले पाए वो कूपन जरूर लें। 21 रुपए की राशि में रजत कलश मिलने का आपको सौभाग्य मिल सकता है, मात्र 21 रुपए की राशि। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्यायानम, नमो लोए सभ्यसाहुनम। ज्ञानस्वरूपं स्वयं तत्विदि, न पूर्णं न शून्यं न चेत्यं स्वरूपी, न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। बोलिए आदिनाथ भगवान, चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान, पाशनाथ भगवान, महावीर भगवान, 2400 तीर्थंकरों के, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, आप सब बहुत ही पुण्यवान हैं। ऐसे अवसर पर आए, कुछ चले गए। जनकपुरी वाले कोई है क्या यहाँ? कोई नहीं, सब चले गए। वहीं से शुरुआत हुई थी चतुर्मास की। बहुत अच्छे लोग हैं, ज्यादा व्यस्त होंगे इसलिए चले गए। उत्तम नगर वाले तो उत्तम है ही,
वहाँ तो धर्म की खेती होती है, इसीलिए सब वहाँ की महिलाएं हरी साड़ी पहन के आती है, वहाँ धर्म की खेती होती है, हमेशा हरा भरा रहता है उत्तम नगर। मिलाप नगर के अध्यक्ष रविंद्र जी, ओहो क्या कहने इनके, जल बोर्ड में इंजीनियर थे, सीनियर इंजीनियर। कबूल नगर का तो कहना क्या, उन्होंने तो धर्म को अपने जीवन में अपने हृदय में उतार लिया, ऐसे कबूल नगर वाले। सब कबूल नगर वालों की बोलो तो भाई, प्रवीण जी बहुत काबिल योग्य आदमी, वहाँ के मंत्री हैं, इतना उन्होंने स्नेह, इतना श्रद्धा, इतना सम्मान, क्या भरे हुए हैं आपस में। बिल्कुल, जब मैं वहाँ था कबूल नगर में तो और इधर उधर से बुलावे आते थे, कहते थे अभी हम महाराज को कहीं नहीं भेजेंगे, हमारे महाराज हैं, हमारी मर्जी महाराज की नहीं हम सुनेंगे, अब हमारे वश में है, हम कहीं नहीं भेजेंगे। और सारा दिल्ली समाज, ऋषभ विहार, गुलाब वाटिका वालों तो वहां हमेशा गुलाब ही खिले रहते हैं, बहुत कोशिश करिए। और ये जो है एक ये जोली जी हैं, कोई खड़े हो जाओ जोली जी, अरे साहब क्या कहने, पूरे चतुर्मास में आहार में खड़े रहते थे और खुद बना के आहार बनाते थे, खुद अपना आहार बनाते थे, ऐसे जोली जी हैं, जोली रहते हमेशा खुश रहते हैं। और ये क्या नाम इनका, अंकित, ये अंकित इसका है, एक आया नहीं बेचारा। परवीन जी आप भी खड़े हो जाओ, नहीं नहीं अरे अरे देखो तो सब तुम्हारी सुंदरता को देखना चाहते हैं। ये प्रवीण जी वहाँ के मंत्री हैं, बहुत योग्य व्यक्ति, कर्मठ होशियार, और दीपक जी का तो दीपक जला रहता है, खड़े हो जाओ। जहां जहां मैं गया सब लोग ऐसे हैं दीवाने से, सूर्य नगर वालों का तो कहने ही क्या है, सूर्य नगर वालों को तो यहाँ धर्म का सूर्य दिन रात की अपेक्षा किए बिना निकलता ही रहता है। ये उन्हीं का दम था कि यहाँ मेरा चतुर्मास हुआ, नहीं तो बहुत लोग खींचने को तैयार हुए, बहुत श्रद्धा भक्ति से उन्होंने किया और सब पुण्यवान और बहुत ही श्रद्धावान है। यहाँ मैं तो कहूँ कि हमेशा धर्म का सूर्य निकला रहे। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक एक को सबको एक एक पेची दे के जाऊँ, मुझे सब लग रहे हैं ऐसे यहाँ ये दीक्षा लेने वाले हैं, अभी मैं अभी तो ये सब मुझे आहार देते हैं, मैं इनको ऐसी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ये भी कभी कर्म कमलों में आहार लें। सब प्रशंसा के पात्र हैं। चतुर्मास से क्या मतलब है, चतुर्मास की क्यों चार ही क्यों रखे गए चार महीने, चार अनुयोग होते हैं, चार अनुयोग, चार प्रकार के देव होते हैं, चार ही गति है, चार ही आयु कर्म बंद करते हैं और चार ही को क्रॉस करके मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो यहां मैं आया हूं चार अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इसमें सब पांगरंगत बने, अपने हृदय में उतारे। तो इसीलिए चतुर्मास रखा, नहीं तो पांच भी रख सकते थे, तीन भी रख सकते थे, छह मास भी रखते थे, नहीं इन्हें सबको चार, गाय के चार थन होते हैं, चार पाए होते हैं, तुम्हारे भी दो हाथ और दो पैर हैं, दो हाथ इसलिए हैं ताकि तुम पहले आहार दे सको, फिर ऐसी वृद्धि करो कि तुम भी आहार ले सको अपने कर पात्र में। पैर इसलिए दिए मजबूत बने रहे कि तुम भी खड़े होकर आहार ले सको, दावत में नहीं मुनि बन के आहार ले सको, नहीं बात सही।
ऐसा धर्म हमारे अंतर। मेरा तो यही प्रयास है, जहां जहां मैं गया मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, बिना सम्यक दर्शन के कोई ना रहे। बहुत कमाया, बहुत खोया, बहुत इकट्ठा किया, कहीं कुछ नहीं रखा, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। अनंत काल हो गया भटकते हुए, अब भी यहीं की। अब ऐसा कुछ हो जाए कि अब भटकना बंद हो जाए, सोचना बंद कर दो। सोच है धन कैसे पाऊं, जगत में यश को फैलाऊं, महल और मंदिर बनवाऊं, बाग और कुएं खुदवाऊं, नाम सदा जग में रहेगा, हो जग में सरनाम, सभी पड़े रह जाएंगे, कोई नया वे काम। मौत से जब बाजी हारी, विनती नाथ सुनो सारी, तो साफ समझ लो, बस इसको समझो कि अब हमें जन्म मरण नहीं करना है, अब तो हमें मुक्ति के मार्ग पर चलना है। आप भजन गाते हैं, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, जो एकदम मिलता है हुए ऐसे। बहुत सुंदर भजन भी करते हैं। मन के धनी, तन के धनी, धन के भी धनी, बहुत इनको आशीर्वाद है, इन सबको और सबको अपने साथ लगाए रखते हैं, सबको अपने जैसा बना दिया, बहुत आशीर्वाद है सबको, बहुत आशीर्वाद है। सभी खड़े हो जाएं, एक बार आरती होगी महाराज जी की आरती। पितोरदनिहारो आरती उतारो, तारे पल पल निहारो, प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। सहारनपुरी की धरा धन है, जहाँ जन्मे मेरे गुरुवर है, जिनवाड़ी के लाल आज तारी आरती उतारो, प्रतिज्ञानंद मुनिराज आज थारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सब घरवार आज तारी आरती उतारो, प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज आज तारी आरती उतारो। क्षमा सखी तुमको है प्यारी, क्षमा सखी तुमको है प्यारी, गुरु गरिमा तुम से जग जानी, गुरु गरिमा तुम से जग जानी, युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो, युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो, प्रतिज्ञानंद मुनिराज आज थारी आरती उतारो, प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज आज थारी। सूर्यनगर में चौथा चौमासा, सूर्यनगर में चौथा चौमासा, हम सब का है मान बढ़ाता, हम सब का है पुण्य ये जागा, जन जन कर जयकार आज थारी आरती उतारो, जन जन कर जयकार आज थारी आरती उतारो, प्रतिज्ञानंद मुनिराज आज थारी आरती उतारो। बोले बाबा परम पूज्य मुनि से प्रतिज्ञानंद मुनिराज की जय हो, जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा दीतो दो, ही जनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमोकार मंत्र बोल बोल के करना है।
चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया।
से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया।
से चौका लगाया। हाजी गुरुवर का दर्शन है पाया, thank you.
पावन बनाया। Thank you.
से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका